नमस्कार साथियों, मीडिया कर्मी जो भी संगठन या पधारे हैं, मानवीय सामाजिक संगठन का सादर नमस्कार। जिस प्रकार की जन स्वाभिमान मंच आप सभी ने वीडियो के माध्यम से हम सब की पीड़ा और हम सब का दर्द आप लोग इसके चश्मदीद गवाह हैं इस वीडियो के माध्यम से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आज है, हमें ये जो अवसर अच्छा मिला, ऐसे सो अवसर पर जब श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव पूरा भारत मना रहा है, हमें लगता है कि वर्तमान का जो समय है, कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उससे पहले कंस जैसे आतते लोग भी पैदा हुए और उनको विनाश करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी अहम भूमिका निभाई। जो गरीब थे, गाय से लेकर के राजा तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके मूल पीछे उद्देश्य यही था कि जिसका हक नहीं मिल रहा है उसके हक को दिलाया जाए। और इस संदर्भ में जन स्वाभिमान मंच का भी आज हम आप सभी लोगों के बीच में, मीडिया बंधुओं के बीच में पहुंचे हैं। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर जातिवादी गुंडे तक कुछ लोग पैदा हो चुके हैं, भूमाफिया हर प्रकार से जिन्होंने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, उन लोगों के खिलाफ में एक अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए हम सभी लोगों का सहारा लेकर के एक मानवीय श्रृंखला, बहुत बड़ी श्रृंखला बना करके उनके खिलाफ हम लोग वास्तविक रूप से जन जन में पहुंचेंगे और प्रत्येक राजस्थान के जन जन जो स्वाभिमान मंच है उसके माध्यम से अपनी बात रखेंगे। यद्यपि संविधान धर्म निरपेक्ष की बात करता है, परंतु वर्तमान समय में टिकटों के वितरण की जब बात आती है तो कई जाति और धर्म के नाम पर टिकट बांटे जाते हैं। इससे हमारा मूलभूत जो ढांचा है उसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। इस संदर्भ में हमारे मन में पीड़ा है कि हम समय रहते हुए इन सभी चीजों के साथ हम लड़ने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। आप देखते हैं कि सरकार की और शासन की जैसी व्यवस्था है, जिस प्रकार से सरकारी नौकरी में, ब्यूरोक्रेट में, जुडिशली में, चारों तरफ से सिस्टम को कुछ लोगों ने अपने हाथ में ले रखा है, मुझसे आप भली भांति जानते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं। उन लोगों के खिलाफ में ये जन स्वाभिमान मंच काम करेगा। इसका मूल उद्देश्य है कि पूरे प्रदेश के अंदर हम जाकर के अपना दर्द, अपनी पीड़ा प्रत्येक मानव तक पहुंचेगी। और इसके साथ में जो भी हमारे भाई लोग हैं, हमारे साथी हैं, चाहे मूल ओबीसी वर्ग हो, चाहे दलित समाज हो, अनारक्षित जो हमारे भाई लोग हैं, वो सब हम लोग मिलकर के एक मंच पर पहुंचेंगे और मंच पर पहुंच करके प्रत्येक जनमानस में ये भावना दी जाएगी कि आने वाला जो समय है वो आप लोगों का, किस प्रकार से आप इस राजस्थान को बचा सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई आने वाली नस्लों के लिए है, आने वाले भविष्य के लिए है। जगेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान, ये हमारा ऐसा विचार है। जिन राजनेताओं के द्वारा अमर्यादित भाषा व्यापारियों के पक्ष में, देवी देवताओं के पक्ष में और अनर्गल जो बातें टीका टिप्पणी की जा रही है उनके खिलाफ भी ये जन स्वाभिमान मंच सकारात्मक रूप से इस कार्रवाई को अमली जमा पहनाने का कार्य करेगा। ये जन स्वाभिमान मंच उन लोगों के लिए है जिन लोगों को आज तक हक नहीं मिला, जिन लोगों ने आरक्षण के नाम पर गुच्छे उड़ाए, अब उनको आरक्षण बंद करके जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिल पाया उन लोगों का हक मिले, उनका न्याय मिले, उसके लिए जन स्वाभिमान मंच काम करेगा। मूल रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हम संविधान रक्षा के लिए एक रथ यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकालने का हमारी पूरी टीम ने निश्चय किया है और इस निश्चय के साथ में हम जन जन तक पहुंचेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, न्याय हो, सेवा हो और सुरक्षा हो। ये जन स्वाभिमान मंच भय, भ्रष्टाचार और उसमें लिप्त जातिवादी जो नेता हैं उन लोगों के खिलाफ हम मानवतावाद पैदा करना चाहते हैं और इसी के लिए हम संकल्प से आज निकल पड़े हैं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर जब दुनिया में राम आए, कुछ बुद्धिजीवी रावण भी थे, परंतु कुछ गलतियों के कारण से श्री राम को धनुष उठा करके रावण का श्रृंगार करना पड़ा। समय कालखंड में वो तो रावण एक था, वो कंस एक था, पर आज हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कंस और रावण बैठे हैं। उन लोगों को
नष्ट करने के लिए हम पूर्ण रूप से जन स्वाभिमान मंच अपना पूर्ण प्रयास करेगा और एक मानवीय श्रृंखला जाति भेदभाव मुक्त हमारा राजस्थान हो, मानवतावाद स्थापित करते हुए परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा हम सब लोग मिलकर के पूर्ण प्रयास करेंगे। आप सभी मीडिया बंधु पधारे, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अब आप कुछ पूछना चाहेंगे तो आप जन स्वाभिमान जो मंच है इसमें हम सभी लोग, आज पहली हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के साथ में है, समय भी तय करके तारीख तय करके हम सभी लोग संगठनात्मक रूप से इस कार्य को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लोगों के सुझाव मिलते रहेंगे किस प्रकार से हम इस जन स्वाभिमान मंच को मजबूती दे सकें, ऐसा हम कार्य करने का प्रयास करेंगे। अन्याय जिस प्रकार से हम लोग वोट की चोट मारने का पूरा प्रयास करेंगे, ना तो हमारा किसी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, ना तो कांग्रेस ना बीजेपी ना अन्य दल, हमारा मूल उद्देश्य है कि जिनके हक और अधिकार की लड़ाई है, कुछ लोगों ने जो सिस्टम को कैप्चर कर रखा है राजनीतिक रूप से, और वो कुछ लोग कौन है, आपके ही मीडिया प्रेस नोट के द्वारा या पत्रकार के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा हमें पता लगता है, और ये हमारी पीड़ा नहीं, ये लोगों की पीड़ा थी। ये लोग हम तक पहुंचे, उन लोगों ने ये समाचार हमें बताया तो मन में इच्छा हुई कि हम लोगों को इस पर कार्य करना चाहिए, और उसके लिए हम लोग संगठनात्मक रूप से सभी को साथ लेकर के इस कार्य को अंजाम देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। लोगों की पीड़ा, आपका कहना बिल्कुल सही है, हम पिछले एक वर्ष से इस जन स्वाभिमान मंच पर काम कर रहे हैं, पर लगा कि राजनीतिक में अपनी बात रखने का सही मौका सही समय होना चाहिए, इसलिए हम सब लोग वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि 2023 हमारे नजदीक में पहुंच रहा है, चुनाव का दौर है, हम अपने ढंग से बात रख सकते हैं, और पिछले एक वर्षों से हम जगह जगह पे मीटिंगें हम हमारे कार्यकर्ता लोगों ने ली है, अभी इस पर और भी जो लोग साथ हमारे जुड़ेंगे कई रूप से, और पूरे प्रदेश भर में ये इस कार्य को करने का विचार है। आपको मैं पूर्ण रूप से ये बताना चाहूँगा कि जन स्वाभिमान मंच कोई पार्टी नहीं है, ये कोई चुनाव लड़ने का हमारा निश्चय नहीं है, हम लोग तो खाली एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं, ऐसा वातावरण जहाँ पर जातिवाद मुक्त हो, भय और भ्रष्टाचार मुक्त हो, ऐसा माहौल बनाएंगे, और मुझे लगता है कि माहौल जब बनेगा तो अपना भी उसमें परिवर्तन हो जाएगा, और उसके लिए हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। यही जन स्वाभिमान मंच काम करना चाह रहा है कि जिस प्रकार से महिलाओं का सम्मान मिले, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है यत्र नारी स्तः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ देवता रमन करते हैं, और इसी को हम लेकर के चले हैं कि जन स्वाभिमान मंच के माध्यम से सरकारें किस प्रकार से अपने इस ढांचे को क्रियान्वित करती है उस पर मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमारा मिशन को चुनाव लड़ना नहीं है, हम ये चाहते हैं कि सभी नारी जगत में माताओं का बहनों का सबका सम्मान हो, क्योंकि वो सुरक्षित रहेगी तो ही मर्द लोग सुरक्षित रह सकते हैं, अन्यथा बेतु की बातें करने की कोई सार्थकता नहीं है। पार्टियों से हमारा कोई वास्ता नहीं, हमें वही नेताओं से वास्ता है जो जातिवादी नेता है, जिन लोगों को आपने भेजा था वोट दे करके, और उन्होंने उस वोट का जातिगत गणना के आधार पर अपने एक सुरक्षा ढाल बना लिया, उनसे हमारी व्यक्तिगत लड़ाई है। जी कास्ट का मतलब हमारा कोई व्यक्ति विशेष को टारगेट करना नहीं है, कास्ट का मतलब हमारा मूल उद्देश्य यही है
कि जो निशंस जो लोग हैं, जो लोग जनप्रतिनिधि के नाते अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, पार्टी विशेष के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है। ये हम आपको बार बार इस चीज के माध्यम से बताना चाहते हैं। आपको करना पड़ेगा, राजस्थान के जो 4 करोड़ से ऊपर वोटर हैं, वो 200 विधानसभा में अपना वोट देंगे, तो कौन सा ऐसा नेता, कौन सी ऐसी विधानसभा है जहां जातिवादी उम्मीदवार नहीं है, अगर चार नाम हमारा, वो हम आपको समय पर तय करके, हमारी पूरी टीम काम कर रही है, फिर हम आपको पूरा एक बार वापिस, क्योंकि बार बार अपना ये संवाद होता रहेगा, अभी तो शुरुआत प्रारंभिक तौर पर है, जैसे जैसे समय मिलेगा आगे आगे कई सारे विचार आते भी रहेंगे, कुछ हटाने भी पड़ेंगे, कुछ जोड़ने भी पड़ेंगे, आगे इस पर आपको जरूर सोचना दीजिए। जैसा कि आपने कहा कि चुनाव ही लड़ेंगे, पर बिना सरकार में आप कैसे काम करेंगे आने वाले? चुनाव तो हमें लड़ना नहीं है, हमारा मूल उद्देश्य जो हमने आपको बार बार कह रहे हैं कि मूल उद्देश्य हमारा ये है कि अच्छे लोगों को राजनीतिक में भेजा जाए। अब अच्छे लोग कौन हो सकते हैं? आपको पता है कि जब जो अपनी मशीन होती है ईवीएम जिससे चुनाव लड़ा जाता है, उसमें राष्ट्रीय लोकतंत्र जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो ऊपर रहती है, कांग्रेस है, बीजेपी है, फिर निर्दलीय है, फिर नोटा। तो हम चाहते हैं कि जो निर्दलीय लोग हैं, मतलब जो कमजोर लोग हैं, जिनका हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें हम ऊपर उठाने का कार्य करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, थर्ड फ्रंट हमारा कोई मूल उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य कि जन जन की भावना को, वास्तव में जिनका हक अधिकार है, जो कुछ लोगों ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, मतलब आप देखेंगे अभी कुछ भर्तियां निकली, उससे पहले आप सबको जान सकते हैं, आपके ही द्वारा हमें समाचार प्राप्त हो सकते हैं, और उसी के द्वारा हम लोगों ने निर्णय किया। ये सबकी पीड़ा है, सबका दर्द है कि जातिवाद की जो अवस्था है वो हमारे विवाह तक सीमित रहनी चाहिए, उसे यहाँ पर राजनीतिक दृष्टि से और उस प्रकार से आकलन नहीं करना चाहिए। वो तो आप ठीक तरीके से जान सकते हैं कि कौन पार्टी जातिवादी काम कर रही, कौन नहीं कर रही, आप ठीक से जान सकते हैं इस चीज़ के बारे में। Thank you.